ऐसे सुपरस्टार मनोज वाजपेयी सर की फिल्म भैयाजी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी इस मूवी ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ले ली है शानदार ओपनिंग। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे भैयाजी फिल्म के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट कितना है और फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि भैयाजी फिल्म अगर आपने देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर। तो दोस्तों, एक्शन ड्रामा फिल्म भैयाजी, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं मनोज वाजपेयी और फिल्म के डायरेक्टर है अपूर्व सिंह करकी। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर जब आया था, ट्रेलर देखकर साफ पता चल चुका था कि इस फिल्म में दमदार एक्शन और भैयाजी का स्वैग देखने को मिलेगा। ट्रेलर कहीं ना कहीं ऑडियंस को फिल्म के लिए एक्साइटेड करने में कामयाब रहा था, लेकिन फिल्म का जो प्रमोशन है उतना जोरों शोरों से नहीं किया गया। ऊपर से दोस्तों, फिल्म को स्क्रीन भी कम मिली है, उसके बावजूद भी ये मूवी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट ओपनिंग ले चुकी है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है मनोज वाजपेयी सर को। क्योंकि आप सब जानते हैं, मनोज वाजपेयी सर बॉलीवुड में पिछले 25-30 सालों से है और इतने सालों में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की है और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग के हम सब फैन हैं। OTT पर भी उनके जितने शोज आते हैं काफी बड़े ब्लॉकबस्टर रहते हैं, लेकिन दोस्तों कई सालों से मनोज वाजपेयी सर एज अ सोलो लीड हीरो किसी फिल्म में नहीं आए थे और ये फिल्म यानी कि भैयाजी उनके करियर की 100वीं फिल्म है, जिस फिल्म में बतौर वो एक सुपरस्टार यानी कि हीरो के रोल में देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर मनोज वाजपेयी सर के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि उनके करियर की 100वीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर रहे और ये मूवी उनके लिए एक यादगार फिल्म बन के रह जाए। लेकिन दोस्तों, इस वक्त अगर बात करें भैयाजी फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि भैयाजी फिल्म के को प्रोड्यूसर खुद मनोज वाजपेयी सर है, जिसके वजह से ही फिल्म का जो टोटल बजट है वो सिर्फ 30 करोड़ रुपए का हुआ है। क्योंकि इस फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि फिल्म के वो खुद भी प्रोड्यूसर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 30 करोड़ के बजट में बनी भैयाजी फिल्म सिनेमाघरों में तो आज रिलीज हुई है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के मेकर्स एक तगड़ी कमाई ऑलरेडी कर चुके थे। किस तरह, बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, भैयाजी फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानी कि OTT स्ट्रीमिंग के राइट्स, वो 16 करोड़ में बिक चुके हैं। वही इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स है यानी कि TV पे दिखाने के राइट्स, वो बिके हैं 8 करोड़ में। साथ ही साथ फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स है वो भी 2 करोड़ में बिक चुके हैं। यानी कि दोस्तों, भैयाजी फिल्म के जो टोटल प्रोड्यूसर है उन्होंने इस फिल्म के डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट्स बेचकर 26 करोड़ की रिकवरी ऑलरेडी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इसके 3 राइट्स बेचकर ही 26 करोड़ अंदर कर लिए हैं। अब बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्तों से चली आ रही राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत इस वक्त सिनेमाघरों में अच्छी खासी चल रही है, जिसके चलते ही भैयाजी फिल्म को जो स्क्रीन से वो काफी ज्यादा नहीं मिली। लिमिटेड स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज किया है, खास करके मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म को दिन के 3 से 4 शोज मिले हैं और सिंगल स्क्रीन पर भी फिल्म की उतनी ज्यादा सी शोज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी इस फिल्म को जो मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है वो 12 से 13% की है, जो कि एक तरह से डिसेंट कह सकते हैं। वही फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी ठीक ठाक हो गई थी। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक भैयाजी फिल्म अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2,50,00,000 रुपए का कर रही है, जिसमें फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 2,90,00,000 रुपए का हो रहा है। बताना चाहूंगा दोस्तों, इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया और फिल्म का ओवरसीज मार्केट में उतना कोई खास बस भी नहीं है, तो ये फिल्म ओवरसीज से लगभग 50,00,000 रुपए कमा सकती है। यानी कि दोस्तों, यहां पर भैयाजी फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 3,40,00,000 रुपए के रेंज में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म पहले दिन दुनिया भर से 3,40,00,000 रुपए की कमाई कर रही है। तो फिल्म को ओपनिंग तो डिसेंट मिल चुकी है, अब आने वाले 2 हफ्तों तक बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो आने वाले 2 हफ्तों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये फिल्म ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए और ये मूवी मनोज वाजपेयी सर के करियर की एक बड़ी हिट फिल्म साबित हो जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है भैयाजी फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ तक जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता।
गीता का जय हिंद वंदे मातरम।